हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्सचर में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप यहां पर फ़ोन पे के अंदर यहां पर रजिस्टर करते हैं अपना फ़ोन पे अकाउंट और यहां पर मोबाइल नंबर डालते हैं और यहां पर बैंक अकाउंट ऐड करते हैं, तो यहां पर जब आप बैंक अकाउंट ऐड करते हैं तो यहाँ पर आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो ये क्यों आपको दिखाई देता है इस वीडियो में आपको बताऊँगा, तो ध्यान से देखिएगा, लास्ट एंड तक देखिए। अगर आप स्किप करेंगे, वीडियो आगे बढ़ाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। जब भी आप यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करते हैं तो आपको ऐसा बोलता है। तो यहाँ पर इसके जो रीज़न होते हैं गाइस, सबसे मेन और बड़ी जो रीज़न है वो होता है गाइस, आपके जो फ़ोन में बैलेंस होता है एसएमएस जाने का वो नहीं रहता। इसकी वजह से यहाँ पर आपको ऐसा होता है। अगर आपके पास बैलेंस है फिर भी आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर नंबर सेकेंड जो चीज़ होती है वो होती है आपके जो बैंक अकाउंट है उससे आपका जो फ़ोन नंबर है वो लिंक नहीं होता है, या फिर दूसरा फ़ोन नंबर लिंक होता है तो आप अपना ये फ़ोन नंबर डालते हैं जिसकी वजह से आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है। ये फ़ोन नंबर कैच नहीं करता गाइस, इसकी इस दो रीज़न की वजह से ही यहाँ पर आपका जो फ़ोन नंबर है वो यहाँ पर लिंक नहीं होता अपने फ़ोनपे के अंदर। तो आपको ये कन्फर्म करना होगा सबसे पहले कि आपके पास रिचार्ज है या नहीं और आउटगोइंग एसएमएस जा रहे हैं या नहीं, और बैंक से जो नंबर लिंक है यही नंबर है, आपको ये भी चेक कर लेना है। अगर ये दो चीज़ें आपके पास रहेंगी तो ऑटोमेटिकली ये जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी आपको, और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, आप इजीली बैंक अकाउंट इजीली ऐड कर पाएंगे। तो यही रीज़न है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।